मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैम तो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग और क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, सो व्हेन ब्लड इज शेड आउट और कलेक्टेड इन अ कंटेनर, इट loses its fluidity and becomes a jelly-like mass after a few minutes. जैसे आप हम जैसे कंटेनर में किसी भी कंटेनर में ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जिस समय कलेक्ट करते हैं उस समय तो वो एकदम फ्लूइड रहता है ना, जैसे फ्लूइड ही फॉर्म में रहता है, लिक्विड ही फॉर्म में रहता है। देन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, अगर उसमें कोई आपने एंटीकॉगुलेंट नहीं है, जैसे जैसे हम जो वायल्स में कलेक्ट करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एंटीकॉगुलेंट प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो क्लॉट जल्दी से नहीं होता है और उसका एक प्रोसेस होता है, वो अगर हम प्रोसेस फॉलो करते तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, राइट, जो हम टेस्ट के लिए कलेक्ट करते हैं। बट इन केस अगर एंटीकॉगुलेंट प्रेजेंट नहीं है और आपने ब्लड कलेक्ट कर लिया तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद क्या आ जाता है, ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। फाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। द क्लॉट इज अ मास is a mess of thin fibrils entangling the blood cells. These fibrils consist of fibrin. The fibrin is formed from the fibrinogen. So, jo basically jo clot hota hai na, wo ek mess like structure hota hai, okay? Aur ye mess kiska bana hota hai? Fibrils ka bana hota hai, jisme ki wo kisko phasa ke rakhta hai? Entangling the blood cell. Jisme kya tha? Blood cell ko phasa ke rakhta hai, entangle kar deta hai, theek hai? Tighten up kar deta hai, entangle. Then these fibrils consist of fibrins. जो ये fibrils होते हैं, fibrils, fibrils, तो वो किसके उसमें क्या present होता है, fibrin present होता है। ठीक है, और ये जो fibrin होता है वो किसका बनता है, fibrinogen का बनता है। ठीक है, इतना clear है। Next we are moving to factors involving in blood clotting. कौन कौन से factors involve होते हैं हमारे blood clotting में। ठीक है, coagulation of blood occurs through a series of reactions due to the activation of a variety of substances. Those substances necessary for clotting are called clotting factors. Okay, the clotting factors are, जैसे coagulation कैसे होता है हमारे, या फिर coagulation और clotting factors same है, clotting of the blood same है। ठीक है, तो coagulation में क्या क्या involve होता है, बहुत सारे factors involve होते हैं। ठीक है, और वो सारे factors को हम one by one अभी देखेंगे। So these are the factors. फैक्टर वन टू फैक्टर थर्टीन, फैक्टर वन से लेके फैक्टर थर्टीन तक, इट मीन्स टोटल सम कितने फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, फैक्टर थर्टीन, टोटल थर्टीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड फिब्रिनोजन, सेकेंड फैक्टर इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ इज कैल्शियम, फिफ्थ इज लेबाइल फैक्टर, और लेवाइल फैक्टर इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रो एसिलरीन और एक्सिलरेटर ग्लोबुलिन। ओके, देन कम्स द फैक्टर सिक्स, ओके, फैक्टर सेवन, सॉरी, दैट इज स्टेबल फैक्टर, फैक्टर एट, दैट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर नाइन, दैट इज क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर टेन, दैट इज स्टार्ट पावर फैक्टर, फैक्टर इलेवन प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फैक्टर 12 इज हेगमन फैक्टर, फैक्टर 13 इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो टोटल में टोटल होता है फैक्टर 12 फैक्टर्स होते हैं, बट अगर ऐसे इसमें अगर आप काउंट करोगे तो फैक्टर 6 जो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि फैक्टर 6 होता ही नहीं है। ठीक है, तो टोटल फैक्टर 13 होते हैं और अगर आप काउंट में जाओगे तो फैक्टर 12 होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ये जो फैक्टर, ये जो जितने टोटल ये 13 फैक्टर्स ना, वो कैसे वर्क करते हैं, किस सीक्वेंस में, मतलब वन बाय वन कैसे ये वर्क करते हैं, वो देखेंगे हम।
सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म, क्या सीक्वेंस है, मतलब पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ठीक है। क्लॉटिंग में नॉर्मली ड्यूरिंग सर्कुलेशन द ब्लड डज नॉट क्लॉट, अगर आप नॉर्मल है, कोई हमें कोई चोट नहीं लगी है, किसी तरह से कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो जल्दी से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुआ बॉडी में, तो नॉर्मल स्टेज में ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता है। एक सेकेंड वेट करो। थैंक यू। एक सेकेंड। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ काम आ गया था, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। जो सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो देखना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली अगर आप देखो, है ना, नॉर्मली ड्यूरिंग सर्कुलेशन हमारा ब्लड क्या है, ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में उस समय क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है। फैक्टर्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना बॉडी में, तभी तो बॉडी जिस समय ज़रूरत हो रही है तब रिलीज कर रही है। बट क्या होता है, जब वो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो एंजाइम्स हैं फैक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं हमारी बॉडी में। नॉर्मल टाइम में हमारी बॉडी में जो फैक्टर्स हैं टोटल और जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग को फॉर्म करने, वो क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बट एज सून एज बॉडी में जैसे इंजरी लगी, ठीक है, किसी तरह का कोई चोट लग गया, कुछ भी हुआ, तो वो क्या हो जाते हैं, क्विकली एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, क्लॉटिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इसमें, नॉर्मली ड्यूरिंग सर्कुलेशन द ब्लड डज नॉट क्लॉट बिकॉज द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग आर इन इनएक्टिव फॉर्म। Slight initial activation causes clotting in which each enzyme activates another one in a sequential manner. This till the conversion of fibrinogen into fibrin. In general, clotting occurs in three stages, namely. ठीक, कैसा क्या होता है कि normal तो normally है, blood में inactive form में present है enzymes. देखो enzymes भी involved होते हैं और clotting factors भी involved होते हैं, ठीक है। जो ये clotting factors हमने देखे 13, जो कि actual में 12 है ना, वो भी इन्वॉल्व होते हैं और एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बट जैसे ही, और ये क्या करते हैं ना, जैसे ये चोट लग गई तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। और मैम चाय रखी है मैंने वहाँ पे, और जैसे ही मींस कोई इंजरी हो गई, कुछ भी हुआ, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। और इनका जो एक्टिवेशन होता है ना, सीक्वेंस वाइज होता है, पहले एक एक्टिवेट होगा, जो कि हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ऑल्सो, कि पहले एक एक्टिवेट होगा, फिर वो किसी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, फिर वो एंजाइम किसी फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, फिर फैक्टर दूसरा एक्टिवेट होगा, तीसरा एक्टिवेट होगा, ऐसे करके तब तक इनका एक्टिवेशन चलता रहता है जब तक जो फिब्रिनोजन है हमारी बॉडी में नॉट कन्वर्टेड इंटू फिब्रिन, ठीक है। और जो जनरली अगर आप क्लॉटिंग देखेंगे तो तीन स्टेजेस में होते हैं, जो कि हम एक एक करके देखेंगे। सो द फर्स्ट स्टेज इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ना, उनका बनना, प्रोथ्रोम्बिन क्या था, जो फैक्टर सेकंड था, सेकंड फैक्टर इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन।
फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करे ना, ऐसे एक्टिवेटर का बनना, ठीक है। देन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन, अब एक बार जो एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर सकता है वो जनरेट हो गया, वो फॉर्म हो गया, तो इसका मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया है, राइट। तो अब क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देन द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेन इंटू फिब्रिन। तो लास्ट स्टेप होता है जो फिब्रिनोजेन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है फैक्टर, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि लास्ट में जो प्रोडक्ट होता है क्लॉटिंग के टाइम में वो फिब्रिन प्रेजेंट होता है, और फिब्रिन क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होता है जो कि ब्लड को क्या करके रखता है, एंटेंगल्ड करके रखता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग द क्लॉटिंग फैक्टर्स विच आर इनएक्टिव फॉर्म्स आर कन्वर्टेड इंटू एक्टिव फॉर्म्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। एंड दीज एंजाइम्स एक्शन दीज एंजाइमेटिक एक्शन प्रोड्यूस द सक्सेसिव रिएक्शन वन आफ्टर अनदर इन ए कैस्केडिंग मैनर। अब कैस्केडिंग मैनर क्या होता है ये समझना, ठीक है। कैस्केडिंग CASCADING, कैस्केडिंग मैनर, और ये कैस्केडिंग मैनर समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इसका एक थ्योरी आता है, एंजाइम कैस्केड थ्योरी, ठीक है। तो कैस्केडिंग मैनर होता है कि एक जैसे जैसे मार्बल होता है ना, मार्बल वाला गेम खेला होगा या फिर नहीं भी खेला तो कभी देखा तो होगा ही है ना बचपन में, जैसे एक मार्बल से दूसरे को मारते हैं तो दूसरा आगे चल जाता है, या फिर जो पोलो गेम होता है, पोलो गेम होता है, नहीं पोलो नहीं होता है, कौन सा होता है जो टेबल में खेलते हैं ना, टेबल में बॉल्स रखे होते हैं, क्या बोलते हैं, पूल गेम, पूल गेम होता है, जो आई गेस पूल होता है उसका नाम, है ना, एम आई करेक्ट। सब सो गए, सोए रहो, क्या होता है जो पूल गेम नहीं होता, जिसमें कि एक बॉल को मारते हैं तो वो बॉल जाके दूसरे बॉल्स को मारता है, मतलब इस मैम टाइप, बिल्लट बॉल। हाँ जो भी होता है टेबल में खेलते हैं ना वो भी होता है, और मार्बल वाला गेम भी होता है ना, उसी के समझ उसी से समझ लो, ठीक है। तो ऐसे होता है कैस्केडिंग का मतलब ही ये होता है, जैसे एक चीज एक्टिवेट हुई उसने दूसरे को स्ट्राइक किया, और दूसरे ने तीसरे को स्ट्राइक किया, तीसरे ने चौथे को स्ट्राइक किया, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंजाइम कैस्केड थ्योरी, ठीक है। और ये जो तरीका इसमें इन्वॉल्व होता है वो कैस्केडिंग मैनर होता है, और जो थ्योरी है वो है एंजाइम कैस्केड थ्योरी। समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज स्टेज वन। अब हम स्टेज वन से स्टार्ट करेंगे। ये तो था कि आपको जस्ट एक बता दिया फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ऐसे से करके, अब क्या होता है वो देखेंगे। जो स्टेज वन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये होता है दो तरीके से, ठीक है। जो एक्टिवेटर फॉर्म होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो फॉर्म होता है, जैसे फैक्टर टू को एक्टिवेट करने के लिए जो एक्टिवेटर तैयार होता है वो दो तरीके से तैयार होता है। फर्स्ट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, सेकेंड इज इंट्रेंसिक पाथवे, ठीक है। तो फर्स्ट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसमें क्या होता है, इन दिस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज इनिशिएटेड बाय द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या होता है, ये ब्लड में नहीं होता है, ये टिश्यूज करते हैं, जहाँ पे चोट लगा है, जिधर इंजरी है वहां पे प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने का एक्टिवेटर जनरेट होने लगेगा, ठीक है। एंड इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स इज इनिशिएटेड इन बाय प्लेटलेट्स व्हिच आर विद इन द ब्लड इटसेल्फ। ये जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है, प्लेटलेट में, क्योंकि प्लेटलेट कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में ब्लड प्रेजेंट है। तो डिफरेंस समझ में आ गया, एक्सट्रिंसिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो टिश्यू में स्टार्ट होता है, और सेकेंड जो इंट्रेंसिक है वो कहाँ स्टार्ट होता है, ब्लड में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट कम्स थी, अब हम पहला एक्सट्रेंसिक देखेंगे फिर इंट्रेंसिक देखेंगे, ठीक है। अब एक्सट्रेंसिक को देखो अच्छे से, देखो टिश्यू इंजरी हो गया है या टिश्यू ट्रॉमा या इंजरी, एक ही बात है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को जनरेट करता है, ठीक है। टिश्यू ट्रोमा होते ही टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जनरेट होने लग जाता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, उसमें क्या क्या होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। ये तीनों मिलके क्या बनता है, बनाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट ये इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 7, ठीक है। जैसे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जनरेट हो गया,
स्टार्ट हो गया रिलीज होना, इसमें क्या होगा फैक्टर 7 इसके कांटेक्ट में आएगा, इस प्रोसेस में हेल्प करके किसको जनरेट करेगा, फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। फैक्टर 10 पहले स्लीपिंग मोड में था और फैक्टर 10 को क्लिक किया और फैक्टर 10 एक्टिव मोड में आ गया, ठीक है। अब इसमें फैक्टर 10 जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तब कौन और एक कौन इन्वॉल्व हो जाता है, कैल्शियम भी इन्वॉल्व हो जाता है, जो कौन सा फैक्टर था, फैक्टर आई थिंक 4 था, है ना, फैक्टर 4, यस फैक्टर 4 इज कैल्शियम, तो फैक्टर 4 भी इन्वॉल्व हो जाता है, डेट इज कैल्शियम, कैल्शियम भी इस रिएक्शन में आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, कैल्शियम भी एक्टिवेशन में आ गया, अब फैक्टर 5 स्ट्राइक आउट हो गया, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, थ्रोम्बिन, फैक्टर 5, कैल्शियम, ये सब मिलजुल के एक दूसरे को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं और क्या कन्वर्ट कर देते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को किसमें कन्वर्ट कर देते, प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जनरेट कर देते। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जनरेट हो गया, अब हम किस में चले जाएंगे, दूसरे पाथवे में चले जाएंगे, जो कि कौन सा होगा, सेकेंड वन, दैट इज देखो सेकेंड पॉइंट, कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन। बट ये जो पाथवे था वो एक्सट्रिंसिक पाथवे था, मतलब जो टिश्यूज में होता है, अब जो ब्लड के अंदर होता है वो कौन सा हो गया, इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें भी यही है, सेम यही है, एक दूसरे से कभी फैक्टर्स एक दूसरे को स्ट्राइक करके कैस्केडिंग थ्योरी के थ्रू या कैस्केडिंग मैनरिज्म मैनर के थ्रू एक दूसरे को स्ट्राइक करके एक्टिवेट कर रहे हैं, कभी एंजाइम भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें टिश्यू ट्रॉमा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये ब्लड पाथवे में हो रहा है, ठीक है, इंट्रिंसिक वाला जो है वो ब्लड में हो रहा है। जो फैक्टर 12 था वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे इंजरी हुई ब्लड के अंदर, हमारा जो फैक्टर 12 अपने आप ही जनरेट हो जाएगा और वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। इसी में एंजाइम इन्वॉल्व हो जाएंगे, किनिनोजेन एंजाइम एंड प्रीकैल्क्रीन एंजाइम, ओके, किनिनोजेन एंजाइम एंड प्रीकैल्क्रीन एंजाइम, ये दोनों भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब फैक्टर 12 ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, जैसे ही इंजरी हुई है ब्लड के अंदर फैक्टर 12 अपने आप जनरेट हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, किनिनोजेन एंजाइम एंड प्रीकैल्क्रीन एंजाइम मिल करके किसको कहाँ चले जाएंगे, अब फैक्टर 11 को भी जनरेट कर देंगे, ठीक है। अब जो फैक्टर 11 इनएक्टिव मोड में था वो भी एक्टिव मोड में आ गया, अब फिर से कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, फैक्टर 4 दैट इज कैल्शियम भी इसमें फिर से पार्टिसिपेट कर लेगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देंगे, देन फिर से कैल्शियम एक्टिवेट करेगा इसको, फैक्टर 8 को, और ऐसे करके फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया, देन लास्ट में क्या है, कैल्शियम, फैक्टर 5 और थ्रोम्बिन, तीनों मिलके क्या आज कर देंगे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना कि एक से दूसरे को स्ट्राइक कर करके वो क्या करते हैं, एक से दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्या हो रहा था, लास्ट में क्या आ रहा था, कैल्शियम, फैक्टर 5 एंड थ्रोम्बिन आ जा रहे थे, और जैसे ये कैल्शियम, फैक्टर 5 और थ्रोम्बिन आते हैं क्या जनरेट हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जनरेट हो जाता है। तो इसमें भी कैल्शियम, फैक्टर 5 एंड थ्रोम्बिन आ गए तो क्या जनरेट हो गया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जनरेट हो गया। अब ये वाला जो यहाँ पे जो पाथवे है ना, ये तो या फिर तो तुम समझ लो ये एक से दूसरे को स्ट्राइक करेंगे, और अगर याद करना है तो ये तुमको डिक्टो याद करना पड़ेगा, मतलब इसमें द ओनली थिंग एक बार समझ लो, उसके बाद जो दूसरा चीज काम करेगा उसमें रटाफिकेशन काम करेगा, अगर चाहिए तो रट लो, क्योंकि एक बार रट लोगे क्योंकि समझ में तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, बट एग्जैक्टली लिखने के लिए रटना जरूरी है, नहीं तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, जिसमें कि हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे भी देख लिया और इंट्रिंसिक पाथवे भी देख लिया। अब दोनों जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होते ही कौन जनरेट हो गया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जनरेट हो गया। अब हम ये क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जनरेट हुआ था तो उसने क्या कर दिया, थ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर दिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कन्वर्जन करेंगे हम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, हम नहीं करेंगे, मतलब बॉडी अपने आप करेगी। नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम।
किसके प्रेजेंट में कर रहा है ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है, थ्रोम्बिन कब बना रहा है? मैम की वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा अब आ रही है? यस मैम। कहाँ से वॉइस आनी बंद हो गई थी? थ्रोम्बिन क्या बनाता है? ये स्टेप में हम पहुंच गए थे कि पीछे था यहाँ पे? मैम पीछे था मैम। यस मैम इस पे था मैम। इसमें सेकंड स्टेज में ना। तो देखो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन भी जो कन्वर्ट हो रहा है ना, वो भी तीन चीज की हेल्प से हो रहा है, कैल्शियम, थ्रोम्बिन और फैक्टर फाइव। ये तीनों मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देते हैं, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स कन्वर्ट थ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है पहले। ठीक है, देन उसके बाद क्या हो रहा है, थ्रोम्बिन से क्या बन जा रहा है, प्रोथ्रोम्बिन से क्या बन गया, थ्रोम्बिन बन गया। बट जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने के लिए किसके प्रेजेंस की जरूरत है, कैल्शियम होना जरूरी है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर यूज हो रहे हैं, फैक्टर फाइव, थ्रोम्बिन एंड कैल्शियम अगेन फर्दर। ठीक है, और इससे क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट होकर के क्या बन जा रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जा रहा है थ्रोम्बिन में। ठीक है, क्लियर है? स्टेप सेकंड तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू सेकंड थर्ड स्टेज which is conversion of fibrinogen into fibrin. अब जो fibrinogen होता है ना, वो क्या है, अगर आप उसका उसका characteristic देखोगे तो fibrinogen क्या है, soluble होता है। ठीक है, यानी कि घुल जाता है। ठीक है, और जब वो fibrin बन जाएगा, जब fibrinogen convert हो जाता है fibrin में, तो वो क्या होता है, insoluble हो जाता है।
वो फिर घुलता नहीं है, इसीलिए वो क्या करता है, क्लॉट करता है, समझ गए? अब ये जो फिब्रिनोजन है, जो फिब्रिन में कन्वर्ट होगा किसके थ्रू होगा, थ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन फॉर्म हो चुका है स्टेज टू में, स्टेज टू में फॉर्म हो गया था थ्रोम्बिन, अब वो थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन जो है उसको, जो सॉल्युबल होता है यानी कि जो घुल जाता है ब्लड में, उसको फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा जो कि इनसॉल्युबल होता है, ठीक है? तो इसमें स्टेज देखो, इनिशियली फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फिब्रिनोजन, ठीक है? जो पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो फिब्रिनोजन है वो एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो अब क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, पहले स्लीपिंग मोड में था या फिर आप बोलो इनएक्टिव फॉर्म में था, अब एक्टिवेट हो गया है, ठीक है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट व्हाट विल हैपन, फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू, फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन, ठीक है? एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, अब जो ये जैसे जैसे ही ये फिब्रिनोजन एक्टिवेट हो जाता है ना, इसको इसका एक नया नाम पड़ जाता है, दैट इज टर्म्ड एज फिब्रिन मोनोमीटर। जो एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन होगा ना उसका नया नाम है, दैट इज कॉल्ड फिब्रिन मोनोमीटर, फिब्रिन मोनोमीटर, ओके? दिस पॉलीमराइजेस विथ अदर मोनोमीटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म फिब्रिन। अब ये क्या करता है ना, अब ये मोनोमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा, ये पॉलीमराइज रिएक्शन करता है, पॉलीमराइजेशन में जाता है दूसरे एंजाइम्स के कॉन्टेक्ट में, और ये क्या फॉर्म करता है, अदर मोनोमीटर्स फॉर्म करता है, ठीक है? और जो पॉलीजेंस होते हैं, पॉलीमर रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, मोस्टली पॉलीमराइजेशन में जो भी रिएक्शन बनता है वो क्या होता है, जो जो सब्सटेंस होता है इनसॉल्युबल होता है, राइट? क्योंकि उसका जो चेन होता है वो टूटता नहीं है, तो वो इनसॉल्युबल होता है, वो घुल नहीं पाता, तो इसीलिए लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, फिब्रिन निकलता है, ठीक है? जो कि क्या है, इनसॉल्युबल है नेचर में, तो इनसॉल्युबल है तो क्या होगा, जहाँ पे ब्लड क्लॉट हुआ है वहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा, और वो घुलेगा नहीं, वहाँ पे सॉल्युबल नहीं है, तो वो क्या होगा, क्लॉट फॉर्म करना शुरू करेगा, और उस हिसाब से वो क्या करेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है वो उस ब्लड फ्लो को रोक देता है फिब्रिन, ठीक है? द फर्स्ट फॉर्म्ड फिब्रिन कंटेन्स लूजली अरेंज स्ट्रैंड्स। जो शुरुआत में जो फिब्रिन फॉर्म्ड होता है ना, उसमें क्या होते हैं, जो भी जितने भी फिब्रिन्स फॉर्म होते हैं वो लूजली अरेंज स्ट्रैंड्स होते हैं। जो फिब्रिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने बार मैंने बता दिया कि कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट जो शुरुआत में जो फिब्रिन फॉर्म्ड होगा वो लूजली लूज स्ट्रैंड्स होंगे उसके, ठीक है? इसीलिए थोड़ा सा ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट होता है, थोड़ा क्या होता है, स्टार्टिंग में पूरा ही ब्लड क्लॉट नहीं हो जाता है। देखा है तुम लोगों ने कभी चोट लगी होगी तो नोटिस किया होगा कि जैसे स्टार्टिंग में जैसे चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है, फिर क्या होता है कि धीरे 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 ब्लड फ्लो कम होने लग जाता है, और आप देखते हो कि साइड में कुछ जमने लग गया है, जहाँ पे आपकी चोट लगी है वहाँ पे कुछ जमना शुरू हो गया है ना? तो वो क्या है, स्टार्टिंग का फॉर्म है, स्टार्टिंग स्टेज है फिब्रिन के फॉर्म होने का, क्योंकि वो क्या है, अभी लूजली अरेंज्ड है ना, इसलिए पूरी तरह से ब्लड क्लॉट नहीं कर पा रहा है, वो अभी स्टार्टिंग में वो हो रहा है, तो इसीलिए उसके जो स्ट्रैंड्स है, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स है, वो लूज है, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस कर रहा है और थोड़ा सा ब्लड क्लॉट कर रहा है, थोड़ा ब्लड लॉस भी होगा और थोड़ा ब्लड क्लॉट भी होगा, ठीक है? अब धीरे क्या होता है, विद द टाइम ये जो फिब्रिन जो लूजली फॉर्म्ड है, स्टार्टिंग का जो लूज फॉर्म फिब्रिन्स है, वो अब क्या हो जाएंगे, टाइट फॉर्म हो जाएंगे, टाइट फॉर्म में आ जाएंगे, और किसको, उसको क्या बोलते हैं, डेंस हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, ठीक है? और अब ये क्या कर देंगे, पूरी तरह से ब्लड क्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे, और जब आपका ब्लड बहना एकदम बंद हो गया है, जहाँ से चोट लगी है उस जगह से ब्लड का फ्लो होना कम्प्लीटली स्टॉप हो चुका है, इसका मतलब जो फिब्रिन फॉर्म्ड हुआ था वो क्या हो गया, अब डेंस हो चुका है और टाइट हो चुका है, एंड नाउ पूरी तरह से क्लॉटिंग हो चुकी है, ठीक है? Yes, ma'am. और जो ये लास्ट में जो ये डेंस फिब्रिन बनता है ना, वो किस कौन से फैक्टर के प्रेजेंस में बनता है, फैक्टर 12, उसमें कौन सा हेल्प करता है उसको स्टेबलाइज कर, उसको टाइट बनाने में, मतलब फिब्रिन को टाइट करने में कौन सा हेल्प करता है, फैक्टर 12 और कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम तो हर जगह होना ही चाहिए, हर एक रिएक्शन में कैल्शियम, थ्रोम्बिन, फैक्टर 5 तो होता ही है। इसमें जो लास्ट स्टेप होता है, इसमें क्या होना चाहिए, फिब्रिनोजन पहले
फिर से एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज कर रही हूँ थर्ड स्टेज को. फिब्रिनोजेन कन्वर्ट फर्स्ट में कन्वर्ट होके क्या फर्स्ट में एक्टिवेट करेगा है ना, फिब्रिनोजेन एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा फिब्रिनोजेन. ठीक है, पहले पहले इनएक्टिव फॉर्म में था, अब क्या हो गया एक्टिव फॉर्म में. जैसे ही एक्टिव फॉर्म में आता है उसका उसको क्या बोलते हैं फिब्रिन मोनोमीटर. ओके, एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन को बोलते हैं फिब्रिन मोनोमीटर. अब ये जो फिब्रिन मोनोमीटर है वो पॉलीमराइज चेन पॉलीमर रिएक्शन होता है ना वो करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेस, पॉलीमर रिएक्शन करना शुरू कर देता है. और जो पॉलीमर रिएक्शन में अगर तुम लोगों को याद है केमिस्ट्री में जो भी पॉलीमर रिएक्शन होता है उसमें जो भी सब्सटेंस फॉर्म होता है वो इनसॉल्युबल होता है. याद है, जैसे कि पॉलीमर रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्लास्टिक फॉर्मेशन है ना. Yes, तो ma'am. इसमें हाँ, तो अब क्या होता है जो ये मोनोमोलिकुल्स मोनोमीटर मॉलिकुल्स है ना, ये बहुत सारे मोनोमीटर मॉलिकुल्स क्या करते हैं रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो जो एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन है उसको कहा जाता है फिब्रिन मोनोमीटर. और बहुत सारे एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन एक साथ में रिएक्शन करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे लास्ट में फिब्रिन को फॉर्म करेंगे. तो जो पहला फिब्रिन जो स्टार्टिंग का जो फिब्रिन फॉर्म होगा वो लूजली फॉर्म होता है. ठीक है, लूज फिब्रिन फॉर्म होता है जो कि क्या करता है थोड़ा सा मतलब सम सॉर्ट ऑफ ब्लड क्लॉट होगा और थोड़ा सा ब्लड क्लॉट नहीं भी होगा. मतलब इनिशियल स्टेज में है कि ब्लड क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो रहा है वो वाला फॉर्म होता है, उसमें लूज फिब्रिन होते हैं. बट कुछ टाइम के बाद ठीक है जब फैक्टर 12 और कैल्शियम के रिएक्ट कैल्शियम के प्रेजेंस में फैक्टर 12 और कैल्शियम के प्रेजेंस में ये जो लूजली फॉर्म्ड फिब्रिन है वो क्या हो जाता है डेंस एंड टाइट हो जाता है और क्या करता है ये पूरी तरह से क्लॉटिंग कर देता है. सो दिस वाज द स्टेप और यही है कि सारा जितने भी हमारे जो फैक्टर्स है ना वो इस तरह से ही वर्क करते हैं. सॉरी, तो इसमें देखो अभी रिएक्शन दिया हुआ है, देखो फिब्रिनोजन है वो क्या हो गया एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन हो गया. अब ये पॉलीमराइजेशन में जाएगा मतलब रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, सारे जितने भी एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन है ना जिसको क्या कहते हैं फिब्रिन मोनोमीटर, फिब्रिन मोनोमीटर देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, वो बहुत सारे फॉर्म हो जाएंगे फिब्रिन मोनोमीटर. तो सब एक दूसरे के साथ आपस में पॉलीमराइजेस करने लग जाते, पॉलीमर रिएक्शन बनाने लग जाते हैं और उससे क्या करते हैं फिब्रिन बनाते हैं. तो जो पहला फिब्रिन बनता है वो लूज स्ट्रैंड बनता है. अब फैक्टर 12 और कैल्शियम के प्रेजेंस में फिर अब जैसे लूज फिब्रिन बनता है ना तो फिर से कौन एक्टिवेट हो जाता है फैक्टर 13. इसमें फैक्टर 13 लिखा मगर एक्चुअली इज फैक्टर 12. ठीक है, फैक्टर 12. तो फैक्टर 12 और कैल्शियम रिलीज होने लग जाते हैं और किसको फॉर्म करते हैं टाइटली फॉर्म फिब्रिन को फॉर्म कर देता है जो कि क्या कर देता है क्लॉट कर देता है. दिस इज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन. ये जो जो आपका फ्लो चार्ट है उसमें ये जितना कंटेंट लिखा है वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया. तो आई होप कि यहाँ तक सब समझ में आ गया है ना. जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये होते हैं और दिस वाज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑल दिस क्लॉटिंग फैक्टर्स. ये जो जितने हमारे पास 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं एक्चुअल में, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 6 होता ही नहीं है, बट अगर आप नंबर वाइज जाओगे तो क्लॉटिंग 13 तक होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 13 प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स. अब होता है इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एंटीकोगुलेंट होते हैं. ठीक है, जैसे अगर ब्लड क्लॉट होने लग गया, जैसे कि एंटीकोगुलेंट जो मेडिसिन होते हैं वो नेचुरल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं और आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी होते हैं. ठीक है, बनाए भी जाते हैं, केमिकली भी फॉर्म किए जाते हैं. जैसे हिपेरिन है वो नेचुरली फॉर्म्ड एंटीकोगुलेंट है. मतलब जैसे अब अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है बॉडी में तो उससे भी डेथ होने की चांसेस हो सकता है ना. जैसे जैसे अगर किसी को इंजरी हो गई उस टाइम पे अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उससे डेथ नहीं होती है, वो तो लाइफ सेविंग सिचुएशन होता है कि ब्लड क्लॉटिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि पेशेंट की लाइफ को बचा सके बॉडी, वो मैकेनिज्म करती है. बट कई टाइम क्या होता है जैसे हमने ये किया ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, जैसे ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था उसको बी पॉजिटिव का ब्लड दे दिया. ठीक है, गलती से हो गया ये. अब
गलती से तो हो गया, अब क्या करें? अब उसका अगर कुछ नहीं किया गया तो उसके लाइफ क्या हो जाएगी, क्योंकि ब्लड क्लॉट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने लग गया है ना, और वो ब्लड क्लॉट होने लग गया, पूरे बॉडी का ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा धीरे 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 स्लोली। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, या और भी बहुत सारे सिचुएशन, जैसे अभी आपने देखा कोविड के सिचुएशन में भी आप लोगों ने ये बहुत इजीली न्यूज में देखा होगा कि ब्लड क्लॉट हो जा रहा है पेशेंट को, और ब्लड क्लॉट होने की वजह से पेशेंट की डेथ हो जा रही है ना। तो ये जो सेकेंड वेव में ये बहुत देखा गया, अभी का जो कोविड चल रहा था इस टाइम पे, तो उसमें क्या हो रहा था कि ब्लड क्लॉट हो जा रहा था, उसकी वजह से क्या है, पेशेंट ठीक होने के बाद भी ब्लड क्लॉट है अंदर से, वो अच्छे से डायग्नोस नहीं हुआ, पेशेंट ठीक हो गया, उसको डिस्चार्ज कर दिया, और बाद में घर में जाने के कुछ दिनों के बाद उसको हार्ट अटैक आया और पेशेंट की डेथ हो गई। क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता, एकदम से होता है, उसी समय इंसान नहीं मरेगा, धीरे धीरे होता है, ठीक है। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का केस होता है उसमें फिर भी आप बोलो कंपेयर टू जो डिजीज कंडीशन के केस में जल्दी होता है फिर भी, बट जो डिजीज कंडीशन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है वो टाइम लेता है, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ डिजीज कंडीशन, ठीक है। तो घर में गया, हार्ट अटैक हो गया और पेशेंट की डेथ हो गई, और ये पता चला कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, बट एक्चुअल में हार्ट अटैक होने का रीजन क्या था, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी। तो अब अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है उसके लिए हम एंटीकॉगुलेंट्स देते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं, या फिर अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो फिर से उसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मेडिसिन होते हैं, ये सारे होते हैं। फर्स्ट इज हिपेरिन। हिपेरिन एक ऐसा एंटीकॉगुलेंट है जो नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये नेचुरल मेडिसिन है, ठीक है। सेकेंड वन इज गैल्कोमोरल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एंटीकॉगुलेंट। वेलफेरिन, EDTA जो है वो सिंथेटिक है, ठीक है। सिट्रेट्स, ये सारे क्या होते हैं, एंटीकॉगुलेंट्स हैं। इसमें से कुछ हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरली फॉर्म होते हैं, कुछ होते हैं सिंथेटिक जो कि लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, बट दोनों का वर्क क्या होता है, एंटीकॉगुलेंट्स का होता है, इनका यूज यही होता है, ठीक है। जैसे थ्रोम्बोसिस बन गया, ब्लड क्लॉट हो गया, अभी तुम लोग सेकेंड ईयर में जाओगे तो डिजीज कंडीशन पढ़ोगे तब समझोगे, जैसे थ्रोम्बोसिस हो गया, थ्रोम फॉर्म हो गया, प्लेग फॉर्म हो गया, तो उसके लिए यूज होता है, एंटीकॉगुलेंट्स का यूज होता है। जैसे अगर कोई ब्लड को प्रिजर्व करके रखा है ना, तो उसको भी प्रिजर्व करने के लिए पहले तो क्या होना पड़ेगा, पहले तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा तभी तो प्रिजर्व होगा, तो उसके लिए भी एंटीकॉगुलेंट्स डाला जाता है, ठीक है। तो मोस्टली जो ब्लड क्लॉट जो प्रिजर्व करने के लिए जो ब्लड होते हैं उसमें हिपेरिन या एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज का यूज होता है, ठीक है। अब जो स्पेसिमेन यूज होते हैं लेबोरेटरीज के, हम स्पेसिमेन लेते हैं ना टेस्ट के लिए, जो स्पेसिमेन लेते हैं उसमें भी इनका एंटीकॉगुलेंट्स का यूज बहुत ज्यादा होता है, जैसे EDTA है, सिट्रेट है, ऑक्सलेट है, फ्लूराइड है, इन सबका यूज होता है बहुत ज्यादा। क्लॉटिंग के टेस्ट के लिए ब्लीडिंग टाइम चेक करते हैं, क्लॉटिंग टाइम चेक करते हैं, थ्रोम्बिन टाइम चेक करते हैं, और ये हमेशा ये टेस्ट तब होता है जैसे कोई पेशेंट अगर सर्जरी के लिए जा रहा है, तो सर्जरी के लिए जाने से पहले वन नाइट बिफोर उसका ये हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर क्लॉटिंग। ओपन सर्जरी के लिए जा रहा है जैसे ना, किसी का ओपन सर्जरी है मतलब कट लगने वाला है, कट लगेगा बॉडी में, तो उसके लिए ये टेस्ट होना जरूरी होता है, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट होता है, क्लॉटिंग टाइम टेस्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट करते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंटीकोआगुलेंट्स। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया है अभी अच्छे से और इजीली समझ में आ गया। तो ये PPT ही रेफर करना, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। ये PPT मुझे बहुत सारे PPTs मिले, बट सबसे ईजी फॉर्म में और बहुत अच्छे लैंग्वेज में, जो कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है, वो इसी PPT में कंटेंट, ठीक है। बाकी PPTs को अगर तुम फॉलो करोगे तो समझ में तो आएगा फॉर श्योर, बट उसमें बहुत वास्ट है और जो कि इतना ज़रूरी भी नहीं है, बहुत ईजी और नॉर्मल लैंग्वेज में इसमें है, ठीक है। तो इस PPT का लिंक मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों को। ओके मैम, अभी तो समझ में आ गया है ना तुम लोगों को भी, तो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ उसके बाद।
अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, देख लो, तब तक मैं तब तक अटेंडेंस ले रही हूँ।